Class 10th, exercise 3.4. Question 2nd, form the pair of linear equation in following problems and find the solution if they exist by elimination method. मतलब ये जो situations दी हैं questions की, इनका पहले pair of linear equation बनाना है और इनको solve करना है elimination method से. First part देखिए, if we add the 1 to numerator and subtract from denominator, the fraction reduced to 1, it becomes half. If we only add 1 to the denominator, what is the fraction? Fraction में पहले क्या दिया हुआ है, 1 को add करें और subtract करें denominator से, तो fraction 1 हो जाता है और ये 1 by 2 हो जाता है अगर हम only 1 को denominator में add करें, तो ये fraction को निकालना है. तो student, fraction को अपन x upon y पहले suppose करें. अब first condition क्या दी है question में, देखिए कि 1 को न्यूमरेटर में ऐड किया जाए और 1 को डिनोमिनेटर से सबट्रैक्ट किया जाए, तो x plus 1 and y minus 1, तो वो क्या बन जाता है 1. इसमें हम क्या कर रहे हैं, जो इंग्लिश में प्रॉब्लम दी है उसको पढ़ के मैथमेटिक्स में हम चेंज कर रहे हैं, इंग्लिश टू मैथमेटिक्स. एडिड द न्यूमरेटर इन द न्यूमरेटर 1 एंड सबट्रैक्ट द डिनोमिनेटर फ्रॉम डिनोमिनेटर 1, तो इट बिकम्स 1. अब इसको रिड्यूस करें, सॉल्व करें, तो देखें क्या आता है. x माइनस वाई इज इक्वल टू माइनस टू, तो हमारे पास एक ये फर्स्ट इक्वेशन आ गई. सेकंड कंडीशन क्या दी है देखिए स्टूडेंट, एडेड द 1 इन डिनोमिनेटर ओनली, मतलब अभी डिनोमिनेटर में ही 1 को ऐड किया गया, ऊपर कुछ नहीं है, तो ये कितना हो जाता है 1 अपॉन 2. तो इसको सॉल्व करें, दिस इज 2x इज इक्वल टू वाई प्लस 1, then 2x minus y is equal to 1. So this is our second condition and second equation. अब स्टूडेंट दोनों इक्वेशंस मैंने यहाँ लिख कर रखी हैं, अब इसको एलिमिनेशन से सॉल्व करें, जैसा कि क्वेश्चन में इंस्ट्रक्शन है, तो ये माइनस करें तो ये अपोजिट साइन हो जाएंगे प्लस और ये प्लस, तो ये हो जाएगा x और ये कैंसिल एंड दिस इज 3, तो x हमारे पास आ गया 3. अब वाई निकालने के लिए हम किसी भी इक्वेशन में पुट कर सकते हैं, यहाँ पर यहाँ फर्स्ट में पुट करें तो फ्रॉम 1, 1 क्या दिया है x माइनस वाई इज इक्वल टू माइनस टू, इन प्लेस ऑफ x 3 माइनस वाई इज इक्वल टू माइनस टू. यहाँ पर हमने क्या किया देखिए, ये x है, x की जगह पर 3 रखा, बिकॉज x हमारे पास 3 आ चुका था. सो इसको सॉल्व करें तो y इज इक्वल टू आ जाएगा 5. तो हमें यहीं पर नहीं छोड़ना, इसको कंप्लीट करना है. आंसर हमारा क्या होगा, क्योंकि हमने x अपॉन y फ्रैक्शन माना था, तो हमारा आंसर होगा 3 अपॉन 5, दिस इज अवर आंसर. न्यूमरेटर हमारा 3 आ गया, डिनोमिनेटर 5, तो फ्रैक्शन इज द 3 अपॉन 5.